क्रांति आई और आज मैं छाती ठोक के कहता हूं कि उस क्रांति का नाम है राहुल गांधी और वो इस सरकार की जड़ें हिला गई। मैं आज भी कहता हूं कि कांग्रेस का वर्कर देखिए इस जुल्म के खिलाफ किस तरह से टकरा रहा है और किस तरह से कोई बर्फ की खेली नहीं है जो पिघल जाएगा। आज लोकतंत्र बेड़ियों में है, बेड़ियों में। आज लोकतंत्र नाम की चीज नहीं रही कोई। अगर मेरा छोटा भाई भगवंत मान भी सुन रहा हो तो ये उसके लिए भी है। आज लोकतंत्र बेड़ियों में है, बेड़ियों में। पंजाब ढाल है, इस देश की ढाल। उस ढाल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगाने की साजिश की जा रही है। पंजाब में माइनॉरिटी रूल है, जहां जहां माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है वहां वहां लोकतंत्र नहीं, सेंटर की सरकार षड्यंत्र करती है। षड्यंत्र, पहले लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है, फिर उसके बाद उसे दबाने के प्रयास में, क्योंकि कुछ किया नहीं, दिखाने को कुछ नहीं, फिर कहते हैं हमने शांत कर दिया। मैं कहता हूं पंजाब को कमजोर करोगे खुद कमजोर हो जाओगे। पंजाब को कमजोर करके कोई सरकार तगड़ी नहीं हो सकती। ये नवजोत सिद्धू अपने परिवार के लिए नहीं लड़ रहा। आज संस्थाएं गुलाम हैं। 70-75 साल पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो चट्टान की तरह नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खड़े रहे हैं, उनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, कितने नाम गिनूं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आज उन पूर्वजों की प्रेरणा लेकर राहुल गांधी आज लोकतंत्र की बेड़ियां काट रहा है, संस्थाओं की बेड़ियां काट रहा है। आज शेर की तरह एक दहाड़ है, पूरे देश में दहाड़ है। उस सत्य की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है और जब शेर दहाड़ता है तो अमेरिका, जर्मनी, पूरी दुनिया में वो आवाज हर तरह से गूंज रही है। डिबेट और डिसेंट, ये डेमोक्रेसी के एसेंस हैं। एसेंस कि तुमसे अगर कोई रग नहीं मिलती तो वो पार्लियामेंट में बोलेगा और बताएगा। ऑपोजिशन का रोल है ये। तुम्हारे शब्दावली, अरे मेरे दोस्त तुमने क्या क्या नहीं बोला, फिर तुम करो तो न्यारी लीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला। ये कहां का इंसाफ है? इंसाफ नाम की चीज नहीं रह गई कोई। कॉन्स्टिट्यूशन को अपना ग्रंथ मानता हूं मैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आता है इक्वालिटी, सबका साथ और सबका विकास, कहने को तो ये है, पर क्या किसी गरीब तक लोगों की ताकत पहुंची है? डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों की ताकत लोगों तक पहुंचे। लोगों की ताकत लोगों तक नहीं, चंग पूंजीपतियों तक सीमित होकर रह गई है दोस्त। तानाशाह। लेकिन आज मैं तुम्हें कहता हूं, पूछो जो न्याय है। न्याय एक ऐसी संस्था है, न्याय की संस्था, इलेक्शनों की संस्था, इलेक्शन कमीशन है, जो उच्च न्यायपालिका है वो सबसे बड़ी संस्था है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अंबेडकर साहब, महात्मा गांधी, पीछे हो मित्र, कोई रोल कोई ना यार, खड़े हैं अंबेडकर साहब, महात्मा गांधी जो कर रहे हैं पंजाब च, थोड़े बच्चे लिए कर रहे हैं मित्र, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, देही दाद लाऊं। नवजोत सिंह सिद्धू, संस्थाएं, ये संस्थाएं पवित्र थी। कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की संस्थाएं चलाती हैं उन वैल्यूज को, वो है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत। वो संस्थाएं आज गुलाम हैं। वो संस्थाएं आज दो लोगों की सुनती है, चार लोगों की सुनती है, छह लोगों की सुनती है, ज्यादा नहीं। उन संस्थाओं को लोक भलाई के लिए काम करने के लिए नहीं, उन संस्थाओं को रबड़ के गुड्डे बना दिया गया है। और रबड़ के गुड्डे
चाबी दे के छोड़ दिए गए हैं। मैं घबराता नहीं हूँ, मौत से मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ वो पंजाब की अगली पीढ़ी के लिए कर रहा हूँ, अपने परिवार के लिए नहीं कर रहा हूँ। और मैं आज आपको कहता हूँ, मेरी वाइफ कैंसर से पीड़ित थी, छुट्टी लेता तो ये नहीं होता। मैं आज भी इनमें भगवान देखता हूँ और मैं आपको कह रहा हूँ, छाती टूटी, मैं आज भी कह रहा हूँ कि राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। और आज अंबेडकर सर की फ्रेटर्निटी का मतलब होता है हम परिवार हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कल्चर हैं हमारे, लेकिन हम परिवार की एकता में बंधे हुए। उस परिवार की एकता को तोड़ा जा रहा है और उस परिवार की एकता का रखवाला राहुल गांधी है। मैं चट्टान की तरह इस मुसीबत के टाइम में हर कांग्रेस के वर्कर के साथ, प्रियंका गांधी के साथ, राहुल गांधी के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा, खड़ा रहूंगा उस्ताद। और दूसरी बात, इनके पास दिखाने को कुछ नहीं है पंजाब में। बताएं पंजाब के लिए क्या किया है, हैं? कुछ नहीं। राष्ट्र धर्म यही कहता है कि पंजाब के लोगों के लिए, अगली पीढ़ी के लिए ये सत्य बोले जाएं। जहां जहां माइनॉरिटी है, जहां जहां हिंदुत्व का एजेंडा चलता नहीं, कश्मीर में मुस्लिम भाई मुख्यमंत्री बनता है, यहाँ सिख मेजोरिटी में तो सिख मुख्यमंत्री बनता है। जहां जहां पंजाब के लोग कहते हैं पंजाब ना हिंदू ना मुसलमान, पंजाब जीवे गुरां दे नाम, पंजाब जीवे गुरां दे नाम, और वो गुरुओं के नाम जीने वाला पंजाब, उसके परिवार को तोड़ा जा रहा है, खौफ फैलाया जा रहा है वोटों की पोलराइजेशन के लिए। मैं जिंदगी में एक बार मरूंगा, बार बार कायर मरते समझे नहीं, मुझे किसी भी जेल में डालो। और मैं आज आपको कह रहा हूं, इतिहास गवाह है, 323 में आज तक, 323 में किसी ने हफ्ता कैद नहीं काटी, हफ्ता कैद, और कभी आज तक रिव्यू नहीं हुआ। तो सिद्धू क्यों आया जेल में? एक मिनट, सिद्धू जेल में इसलिए आया कि वो संस्थाएं मेरे पूर्वजों ने स्थापित की थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन मेरे पूर्वजों ने स्थापित किया था, और वो संस्थाएं, उनकी इज्जत करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू इस जेल में आया, एक बार भी उफ नहीं की। हर रोज कोई ना कोई, लोकतंत्र नहीं षड्यंत्र होता था जेल के अंदर। सर आपके सामने ही आज क्या हुआ, क्या हुआ सिद्धू साहब, इतने लेट सवेरे, सरकार वेट कर रही थी कि टीवी वाले कब जाएं, सत्य सुनने का मादा नहीं और ये लोग कब जाएं? कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई बर्फ की डली नहीं है, पिघल जाएगा। खड़े हैं वो आज भी, खड़े हैं वो सर जेल के अंदर। दूसरी बात, नहीं, यहाँ आज की बात कर रहे हैं, पहले भी हुआ, छोड़ रहे हैं जी, मैंने कहा छोड़ दो। इसलिए मैं कहता हूं कि जो सत्य की आवाज है वो बिल्कुल सही है। और मैं आज अपने छोटे भाई भगवंत मान को पूछना चाहता हूं, मैं उसको भगवंत मान को पूछना चाहता हूं कि बड़े दमगजे मारता था भाई तू, हैं? जब सत्ता में नहीं था तुझे किसी ने नहीं रोका, चुटकले सुना, सपने बेचे तुमने, झूठ बेचा तुमने, पंजाब के लोगों को बेवकूफ बनाया, और आज तुम एक अखबारी मुख्यमंत्री बन के रह गए हो, अखबारी मुख्यमंत्री। और ये लॉ एंड ऑर्डर जो है, ये लॉ एंड ऑर्डर, जान माल की सुरक्षा, मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ करेंगे। अरे सिद्धू एक मरवा दिया, तू दो और मरवा।